अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा है कि आप अपनी एप्लीकेशन पे किस तरह काम करते हैं। इससे पहले मैं अर्निंग प्रूफ्स के हवाले से या ICPC के हवाले से वीडियोस बना चुका हूँ, मैंने अपलोड की हैं। और थंकेबल से एप्लीकेशन किस तरह बनाते हैं, मैंने कैसे एप्लीकेशन बना रखी है, उस बारे में भी मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, आप देख सकते हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मैं किस तरह अपनी एप्लीकेशन पे VPN के ज़रिए से काम करता हूँ। तो दोस्तों ये मेरा एडमॉब का अकाउंट खुला है, इस एप्लीकेशन पे अभी मैं काम करने वाला हूँ। आप देख सकते हैं कि इस पे अभी कोई क्लिक नहीं है, इस पे अभी 0-0 है ये सारा। तो अभी किसी भी कंट्री का मैं क्लिक करूँगा तो आपको अभी शो करूँगा। ये मेरा आईफोन है, इसमें मैं चेक करता हूँ अपनी प्रोग्रेस, और जो काम है वो एंड्रॉयड मोबाइल में चूँकि होता है तो उस मोबाइल पर मैं वीडियो के अगले हिस्से में आपको बताता हूँ। फ़िलहाल आप ये देखने के हम कनाडा का काम करेंगे तो कनाडा का अभी कोई भी क्लिक नहीं है, यहाँ पे 0 क्लिक और अर्निंग भी कुछ नहीं है। तो अभी मैं आप टाइम देख सकते हैं 8:39 हुए हैं टॉप पे। तो अभी मैं एक ऐड पे क्लिक करूँगा और फिर आपको बताऊँगा कि किस तरह मैंने काम किया और मुझे उसकी कितनी CPC मिली। तो दोस्तों ये मेरा एंड्रॉयड मोबाइल की एप्लीकेशन स्क्रीन आपके सामने खुली है। तो दोस्तों ये टर्बो VPN है, ये मैं यूज़ करता हूँ। उसके बाद ये मेरी एप्लीकेशन है और ये वो ब्राउज़र है जिसमें हमारा ऐड खुलता है। अभी ये ब्राउज़र मुझसे खुल गया है। दोस्तों आपने जब भी काम करना है तो काम करने से पहले एप्लीकेशन की जो हिस्ट्री वगैरह होती है वो डेटा वगैरह क्लियर कर लेना है, क्योंकि आप VPN यूज़ कर रहे हैं तो आपकी एप्लीकेशन ट्रेस ना हो सके। जैसे ये एप्लीकेशन है, इसका डेटा मैंने क्लियर कर दिया। अब ये ब्राउज़र भी मैंने खोला था तो इसका डेटा भी मैं क्लियर कर देता हूँ। अब दोस्तों काम करने का तरीकाकार ये है कि आपने सबसे पहले VPN खोल लेना है। और यहाँ टॉप पे जो ग्लोब का आइकन है वहाँ से आपने जाकर कंट्री चेक करना है। ये टर्बो VPN आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा। यहाँ से हम कनाडा पर क्लिक करते हैं और ये कनेक्ट हो जाएगा अभी। तो दोस्तों ये कनेक्ट हो चुका है। अब आपने अपनी एप्लीकेशन खोल लेनी है। मैंने एप्लीकेशन इस तरह बनाई है कि जैसे ही एप्लीकेशन स्टार्ट होती है तो सामने एक ऐड आता है। ये ऐड आ गया, आपने इस ऐड पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों इस क्लिक के ही आपको पैसे मिलते हैं। जो क्लिक आप करते हैं वो आज कंट्री के हिसाब से अपनी अपनी CPC होती है। किसी कंट्री का रेट हाई होता है, किसी का लो होता है। तो अभी मैंने इस साइड पे क्लिक किया तो कम से कम तकरीबन 40 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक मैंने इस वेबसाइट पे स्टे करना है। कोई एक्टिविटी आपने करनी है, कोई लिंक्स वगैरह क्लिक करने हैं ताकि गूगल को या सर्वर को ये फील हो कि बंदा यहाँ पे इंटरेस्ट की वजह से आया है, इस ऐड ने उसको अट्रैक्ट किया है तो इस ऐड की तरफ आया है, और वो सिर्फ अपनी ऐड पर क्लिक के लिए या अपने ऐड पर ख़ुद क्लिक नहीं कर रहा, वो इंटरेस्ट था उसको इस ऐड में तो वो इस वेबसाइट पर है। तो दोस्तों अभी तकरीबन 30-40 सेकंड हो चुके हैं, तो आप इस साइट को क्लोज कर दें। ये दोस्तों ऐड क्लोज़ हो चुका है। अब ये आपकी एक क्लिक हो चुकी है, इसके बदले में आप कम से कम 50 ऐड जो हैं वो क्लोज़ करें। तो इन बटन्स में मैंने ऐड डाल रखे हैं, जैसे मैं बटन 1 पे क्लिक करता हूँ तो अभी मेरे पास ऐड्स आएंगे। ये सारे ऐड्स आपने क्लोज़ कर देने हैं, या आप यहाँ से क्रॉस कर सकते हैं या मोबाइल के बैक बटन को प्रेस करके भी ये सारे ऐड्स आप क्लोज़ कर सकते हैं। इसी तरह आप दूसरे बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके और ऐड्स आएंगे, आपने उनको भी क्लोज़ करना है। ये सारे ऐड्स आपने क्लोज़ कर दिए। इसी तरह आपने तीसरे बटन पर क्लिक करके वो ऐड भी क्लोज़ करने हैं। एप्लीकेशन बनाने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ और आप प्ले स्टोर में देख सकते हो एप्लीकेशन किस तरह बनती है। तो दोस्तों ये वीडियो मैंने पॉज कर दी थी। तो आप जब ऐड्स पे आप क्लिक कर चुके हैं तो उसके बाद आपने एप्लीकेशन सारी ख़त्म कर देनी है, और याद से आपने जो एप्लीकेशंस हैं आपने यूज़ किए हैं, वो चाहे वो ब्राउज़र है, चाहे वो VPN है, या चाहे आपकी एप्लीकेशन, उसका डेटा आपने लाजमी क्लियर करना है। क्योंकि आप VPN यूज़ कर रहे हैं तो जब आप कोई एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो उसकी हिस्ट्री में स्टोर हो जाता है कि लास्ट टाइम ये एप्लीकेशन किस कंट्री से एक्सेस की गई थी।
तो जब नेक्स्ट टाइम आप विदाउट वीपीएन यूज़ करते हैं या वीपीएन लगाते भी हैं तो ऑलरेडी उसमें पहले से स्टोर होता है कि लास्ट टाइम जैसे कि अभी हमने कैनेडा से यूज़ किया तो अभी हम क्लियर नहीं करते, नेक्स्ट टाइम हम अमेरिका से वीपीएन लगा लेते हैं तो फिर वो गूगल को पता चल जाता है कि ये एप्लीकेशन ख़ुद ही को बंदा यूज़ कर रहा है एक ही कंट्री में से वीपीएन लगा के। तो ये प्रोसेस है दोस्तों, अभी आपको मैं दूसरी वीडियो में, तो दोस्तों ये काम ख़त्म हो चुका है। वीडियो के अगले हिस्से में मैं आपको अपने दूसरे मोबाइल पे दिखाता हूँ कि इस क्लिक के हमें कितने पैसे मिले हैं। दोस्तों ये मेरा एडमोब का अकाउंट खुला है, अभी हमने कनाडा की क्लिक की है। इस पेज को भी मैं रिफ़्रेश करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि जो क्लिक हमने कनाडा से की है उसकी हमें कितने जो है वो अर्निंग हुई है। तो मैं रिफ़्रेश पे क्लिक कर देता हूँ, अभी ये रिफ़्रेश हो रहा है, ये पेज रिफ़्रेश होकर लोड होगा तो हमें पता चलेगा कि हमें क्लिक के कितने पैसे मिले हैं। दोस्तों ये रिफ़्रेश हो चुका है, आप देख सकते हैं कि दो क्लिक्स यहाँ पे शो कर रहा है। एक क्लिक मैंने बाद में ब्राज़ील की थी तो आप देख सकते हैं ब्राज़ील की एक क्लिक के मुझे 0.29 मिले हैं और कनाडा के एक क्लिक के भी 29 मिले हैं दोस्तों। तो ये प्रोसेस है, ये तरीका है दोस्तों काम करने का। तो ये अभी स्टार्टिंग है, आप जब काम करेंगे बहुत ज़्यादा आपकी एप्लीकेशन में जब क्लिक्स होंगे, आप बहुत ज़्यादा काम करेंगे, एड्स क्लोज करेंगे तो आपका जो सीपीसी है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। अभी नेक्स्ट मैं एक वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको आईसीपीसी के हवाले से बताऊँगा। यहाँ पर सुबह मेरी दूसरी एप्लीकेशन है उस पर मैंने सुबह क्लिक्स किए थे, उसका मैं आपको बता देता हूँ कि उस पर जो है वो मुझे कितने डॉलर्स मिले थे। अभी उस पर मैंने सारे कंट्री से एक ही क्लिक की है, ये आप देख सकते हैं। ये सुबह मैंने क्लिक की थी कनाडा की, उसकी मुझे 0.57, इसी तरह जर्मनी की एक क्लिक के 0.36 मिले हैं और इसी तरह नेदरलैंड के 0.31 और सिंगापुर के 0.86 और यूनाइटेड किंगडम के 0.51 और यूनाइटेड स्टेट्स के 0.42। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई बात है, कोई सवाल है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं और चैनल सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।